हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज हम मिरर के बारे में बात करेंगे कि मिरर में हम लाइट कैसे लगाएं और कैसे इसको फिट करें और साइड में कैसे हम इसको फिट कर सकते हैं। और इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, कौन सी एलईडी लाइट लगेगी, तो सारी डिटेल में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना? तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और देखते रहें, और पसंद आए तो लाइक भी करना। तो दोस्तों, हमारे मिरर बन के आ चुके हैं, ठीक है ना? तो हम इसके ऊपर एल्युमिनियम की फ्रेम चिपकाएंगे और ये वाइट कलर का स्टिकर छुटा के इसको फेंक देंगे, ठीक है? तो आप देखते रहें, बने रहें वीडियो के साथ। गाइस, हमने ये टेबल पर गिलास रख लिया और इसका स्टिकर निकाल के हम फेंक रहे हैं, और आप भी ऐसे ही निकाल के इसको फेंक दें, ठीक है गाइस? तो गाइस, देख सकते हैं मेरे हाथ में ये ट्रांसफार्मर है जो कि हमारा 30 वोल्ट का है। अगर आपको थोड़े बड़े गिलास में लगाना है तो आप 50 का या 60 वोल्ट का आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे जो हाथ में ये 30 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसको हम लगाएंगे और इसको फिट करके देखेंगे। इसमें हमारे एसी इनपुट करेंगे, जो एसी करंट होता है, और इधर से डीसी आउटपुट करेंगे एलईडी लाइट के लिए, ठीक है गाइस? ये हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये हमारा एलईडी लाइट है, और इसके अंदर ना ग्लू होता है जो कि हम एल्युमिनियम के फ्रेम पे चिपका देंगे। काफ़ी अच्छा खासा ग्लू होता है और बहुत अच्छा से चिपकता है। इसका हम फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम बना करके मिरर के पीछे चिपकाएंगे और फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना? आप बने रहें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी एंगल लगा लें, दो ऊपर लगाएं और दो नीचे, मतलब दो टॉप में और दो बॉटम में एंगल लगा के, और इस तरीके से आप फ्रेम बना लें। फ्रेम बनाने के बाद में, जब फ्रेम बनाने से पहले आपको ये दो हॉल भी करने होते हैं ताकि हमारा दीवार में हैंग हो जाए। ये स्क्रू के लिए हॉल है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक लेफ्ट में और एक ये राइट में हॉल कर लें, हॉल करके और दीवार में इस तरीके का स्क्रू टाइट कर दें, और दीवार में ये लगा करके इस तरीके से ये हैंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, फाइनली हमारे फ्रेम बनकर रेडी हो गए। ये छोटे बड़े मिला करके 12 फ्रेम है। चले हम इसको चिपका के देखते हैं कैसे चिपकाने हैं। तो दोस्तों, मेरे पास में ये 799 सिलिकॉन है, आप इसका नंबर देख सकते हैं। डेकॉन कंपनी की सिलिकॉन है, हम हमेशा डेकॉन कंपनी की यूज करते हैं और क्लियर सिलिकॉन यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो इसकी खासियत ये है कि इसमें एसेट नहीं होती है, ठीक है? तो जिसमें एसेट होती है ना, ये तो इसकी ग्लास की जो पॉलिश है ना, वो जल जाती है यहाँ से, इस जगह से, ठीक है? तो इसलिए हम जो डेकॉन यूज करते हैं, इसमें एसेट नहीं होती है। और दूसरी एक सिलिकॉन आती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें, ये जेपी की सिलिकॉन है, ये भी है जर्मनी की, लेकिन ये ग्लास के लिए नहीं होती है। तो आप इसको ये बिल्कुल यूज ना करें, इसके अंदर एसिड होती है, तो ये ग्लास की जो कोटिंग है पेश या बैक साइड की, ये उसको जला देती है, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से दोस्तों, आप भी सिलिकॉन लगा लें बैक साइड में, इसको चारों तरफा इसको हमें सिलिकॉन लगानी है, तो सिलिकॉन अच्छा से लगा दें और बाहर ना निकलें, ठीक है ना? और इस तरीके से आप इसको अच्छा से आराम से चारों तरफा गैप देख के और इसको पेस्ट कर दें। तो इस जगह पे जो है ना, आपको 1 सेंटी गैप छोड़ना है, चारों तरफा 1 सेंटी गैप छोड़ना है। फाइनली हमने सारे फ्रेम ये गिलास के ऊपर चिपका दिए, तो आप देख सकते हैं इस जगह पे रखे हुए, कुछ यहाँ पे रखे हुए, ठीक है? तो करना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। 5 सेंटी हमने ये छोड़ा है, 50 mm, और 3 सेंटी हमने इसको सन ब्लास्ट कराया, ठीक है ना? तो इससे 3 सेंटी हमने सन ब्लास्ट कराया और 1 सेंटी हमने ये गैप छोड़ा यहाँ पर, ताकि जब हम यहाँ लाइट चिपकाएंगे तो लाइट हमारी जो बल्ब हैं वो उस तरफा से ना दिखे, ठीक है? तो इसलिए हमने ये 1 सेंटी ये अंदर रखा, ठीक है? और दूसरी बात ये कि यहाँ पर कभी आप सिलिकॉन ना लगाएं, ठीक है ना, इस जगह पे। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो ये लाइट है, ये जो लाइट है हमारे जो यहाँ पर ये चिपक नहीं पाती है, ठीक है ना? इस जगह पे ये चिपक नहीं पाती है सिलिकॉन के कारण।
इस जगह पे सिलिकॉन ना लगाएं, आप अंदर की तरफ सिलिकॉन लगाएं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये इस जगह पे आप सिलिकॉन लगाएं, ये इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे आप सिलिकॉन लगा दें, ये, और इसको थोड़ा सा उंगली भी लगा दें इसको, ताकि उसके गैप के अंदर फिल हो जाए। तो इन पे मैं सारों पे सिलिकॉन लगा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास में ये आप देख सकते हैं 60 वाट का ये ट्रांसफार्मर है। तो इसको हम 60 वाट का इसलिए लगा रहे हैं कि है ये मेरा जो हमारे पास ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसकी लाइट की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसमें 60 वाट का लगाएंगे। बाकी जो दूसरे वाले हैं वो छोटे हैं, उसमें हम 40 वाट, 30 वाट, 20 वाट ऐसा लगाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। तो ठीक है, ये वायर जो हमने हॉल में इसके अंदर डाल लिए है ताकि इसके हम कनेक्शन इस तरफ दे सकें, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल दो, इसका ये बैक साइड पे टेप छुटा देना, ये हमारा ऐसे चिपक जाएगा। इस तरीके से चुपका देना, तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा दिखाएं इस जगह पे। तो हमको जो ये लाइट कट करनी है इस पॉइंट से कट करनी है, ना कि ये सेंटर से किधर भी, तो हमको इस पॉइंट से हमने कट करना होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम कट करेंगे तो हमारी ये लाइट भी जलेगी, अपना काम करेगी, अपना वर्क करेगी, ठीक है। चलो इसे हम काटते हैं यहाँ से। गाइस आप देख सकते हैं कि हमने लाइट चिपका करके कंप्लीट कर लिया अपने फ्रेम को, और इसमें मैं एक टेम्परेली एक कनेक्शन करके इसको चेक करेंगे अपना लाइट वर्क कर रही है या नहीं कर रही, तो हमें पता लग जाएगा, एक टेस्ट करके देखते हैं, जिससे कि आगे चल के हमको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो लाइट में। तो आप भी ऐसी लाइट को चेक कर लें, इसको ऑन करके चेक कर लें। चलो ठीक है, मैं इसको प्लग करके देखता हूँ। ये देखें लाइट अपना काम कर रही है, लाइट जल रही है, हमारा तार हिल रहा था। तो दोस्तों करना क्या है कि हमारी जो लाइट ये बाहर दिख रही है, ठीक है ना, तो इस लाइट को हम कवर करेंगे, ठीक है। ये कवर करना हमें एंगल से, तो 2x4 की या 2x6 की एंगल ले लें, 2x6 की एंगल ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा, दीवार पर लाइट नहीं निकलेगी और बाहर को भी लाइट नहीं आएगी। तो हमें लाइट सिर्फ इस जगह से देखनी है, यहाँ से। तो आप भी जो इस लाइट को जो कवर कर लें, ठीक है ना। चलें फिर मैं इसको एंगल लगा के दिखाता हूँ किस तरकीब से एंगल लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको चारों तरफ लगा सकते हैं, और इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी ये लाइट जो बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये रिपीट के थ्रू हम लोग ये लगा रहे हैं, ठीक है।
दोस्तों मैंने ये एंगल इसके दो तरफा में लगा दिया और मैं आपको जो एंगल है उसका साइज बता देता हूँ। तो मेरे हाथ में देख सकते हो 2x6 की ये एंगल है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ लगानी है कॉर्नर पे चारों तरफा। तो आप इस तरीके से एंगल को चारों तरफा लगाएं और लाइट को इसको जो छुपा दें जिससे कि लाइट हमारी बाहर ना निकले। तो व्यूअर्स हमने ये फाइनली इसको रेडी कर दिया और लाइट भी इसकी हमने चला दी है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो इधर से उठाना है, उठा दो सीधा कर दो जी, आप देख सकते हैं इसको है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई और साइड में भी हम लगा करके दिखाएंगे कैसे साइड में हम फिट करते हैं। लाइट अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। और मैंने कहा था यहाँ से हमारा कोई भी एक भी बल्ब नहीं देख रहा होगा, सिर्फ लाइट हमारी देख रही है, ठीक है ना। मैं बैक साइड भी दिखा देता हूँ, तो देख रहे हमारे बैक साइड में भी ये लाइट नहीं दिख रही, हमने वो कवर कर ही दिया ये चीज जो है। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी इस चीज़ को, बेल आइकन दबा लेना जरूर ताकि हमारा नया आने वाला वीडियो आपको मालूम हो जाएगा जी। ये जाएगा, ये हमारे टेक्नीशियन है और उस्ताद है, ये भी हमारे काफ़ी हेल्प करते हैं, दोस्त हैं हमारे और हम लोग मिल के काम करते हैं ये सारा, ठीक है। चलो फिर इसको लेकर चलते हैं साइड पे और दिखाते हैं किस तरीके से हम इसको लगाते हैं, फिट करते हैं दीवार के ऊपर, ठीक है। तो फाइनली गाइज हमने अपने मिरर लगा दिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसकी लाइटें भी अच्छी काम कर रही है, अच्छी चमक है और बाहर भी इसकी जो साइडों में वहाँ भी लाइट इसको फेंक नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरफा भी हमने लगा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप हमेशा ऐसी वीडियो देखते रहें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है दोस्तों। चले मिलते हैं फिर एक और नई दूसरी वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें, ओके बाय।